वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि भारत के लिए फजाई हदूद बंद करने पर गौर किया जा रहा है। जमीनी और फजाई रास्तों की बंदिश के लिए आलमी कानूनी रुकावटों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि वज़ीर आज़म भारत के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद करने पर गौर कर रहे हैं। भारत के अफगानिस्तान के लिए तजारत के लिए पाकिस्तानी जमीनी रास्ते को बंद करने की तजवीज़ है। ये तजावीज़ काबीना के इजलास में भी पेश की गई हैं। वाज़ह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ और इजलास में 10 नुकाती एजेंडे पर गौर और फैसले किए गए। वफाकी वज़रा ने अवामी दिलचस्पी के मनसूबों से मुतल्लक तजावीज़ भी इजलास में पेश की और इजलास में ECC के तमाम फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना को कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और गैर मुल्की सरबराहान से राबतों पर भी एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर से मुतल्लक अब तक की पेशरफ्त से काबीना को आगाह किया। इजलास में बैरून मुल्क वेलफेयर अताशी लगाने और कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए फंड की भी असूली मंजूरी दी गई। इसके अलावा इजलास में हेल्थ केयर अथॉरिटी के अराकीन की तकर्री का भी फैसला किया गया।